हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे FCRA एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स जो CA फाइनल मई 2023 के पेपर में आपके लिए एप्लीकेबल हैं। देखिए, जो अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने जारी की हैं, इवन अपनी RTP में दी हैं, बस मैं उन्हीं की बात करूंगा जो मई 2023 से रिलेटेड हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में भी नवंबर 22 में जो अटेम्प्ट आया था वो भी अमेंडमेंट डाल रखे हैं। तो वो देखिए, पहले मैंने उसके लेक्चर्स दिए हुए हैं तो एक्सक्लूसिवली उसी की मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले रूल 6 से रिलेटेड है। जब आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलती है अपने किससे, रिश्तेदार से, तो रूल नंबर 6 से रिलेटेड हम पढ़ा करते थे कि भैया आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिली है किससे ज्यादा, पहले पढ़ते थे एक्सेस ऑफ 1 लाख। अब वो 1 लाख हटा करके लिमिट क्या कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई है। दैट मीन्स एक्सेस ऑफ 1 लाख की बजाय क्या हो गया, मोर देन या एक्सेस ऑफ 10 लाख अब कर दिया गया है रुपीज और इक्विवेलेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर जो आपको अपने रिलेटिव से मिला है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, इलेक्ट्रॉनिकली करना है। फॉर्म है FC1। पहले लॉ होता था ये आपने इन्फॉर्म करना होता था 30 दिन में, अब ये चेंज करके कर दिया गया है 3 महीने में। मतलब 2 अमेंडमेंट आ गए रूल 6 से रिलेटेड। एक अमाउंट कर दिया गया है मोर देन 1 लाख को चेंज करके मोर देन 10 लाख। देन 30 दिन का जो समय था वो बदल के अब कर दिया गया है 3 महीने, ये ध्यान रखना है। देन एक छोटी सी अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 32 से रिलेटेड, जहां हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिवाइज रिवैल्यूएट कर सकती है खुद ब खुद, या किसी व्यक्ति ने जो एग्रीड पर्सन है, रजिस्टर्ड है, जिसने एप्लीकेशन दी है। अब इसमें चेंज क्या है, देखिए पहली बात हम यहां पढ़ा करते थे कि जो रिवीजन होगा ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुराने ऑर्डर पे हो सकता है, उससे पहले वाले ऑर्डर को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए दूसरी बात है, कहता है जब आपने रिवीजन के लिए अप्लाई करना होता है तो आपके लिए समय होता है 1 साल, जब इसका ऑर्डर सरकार ने जारी किया या जब आपको पता चला, केम टू नो ऑफ इट विच एवर इज अर्लियर। यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब देखिए रूल नंबर 20 से रिलेटेड, वहां पर चेंज है। तो देखिए, यह है रेड विद रूल नंबर 20, कहता है जब आप एप्लीकेशन देते हैं रिवीजन के लिए, जब सेक्शन 32 में कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया, जहां हम कहते थे एप्लीकेशन देनी है सेक्रेटरी मोहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले हम पढ़ते थे ऑन प्लेन पेपर, अब ये चेंज हो गया। प्लेन पेपर का मतलब हो गया फिजिकल फॉर्म में, अब क्या है, इन सच फॉर्म एंड मैनर इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहता है इन सच फॉर्म एंड मैनर इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये ध्यान रखना है। अब दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक ही हो गया, क्यों, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आई थी 1 जुलाई को। अब जैसे यहां लिखा है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये देखिए एक ऑर्डर जारी होता है 12 अगस्त 2022 को, और जिससे द्वारा ये बताया गया जाता है कि 1 सितंबर 2022 से जो भी एप्लीकेशन 32 में दी जाएगी रिविजन के लिए वो शेल बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली। तो ये आंसर, मतलब मेन अमेंडमेंट क्या है, पहले हम पढ़ते थे ना प्लेन पेपर, वो हटा दो, अब स्ट्रेट वे आंसर क्या हो गया, और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली। ऑब्वियसली FCRA online.nic.in की वेबसाइट के ऊपर जाइए, बस ये चेंज है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इससे रिलेटेड रिविजन से रिलेटेड कुछ FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ लिख के दे दिए, जिसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं। जैसे पहला है कौन है एलिजिबल, ये हम वैसे भी पढ़ते थे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन या कोई भी जो आदमी रजिस्टर्ड है वो क्या दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये लिखा जो भी आदमी क्या है एग्रीव्ड है, राइट, वो एप्लीकेशन दे सकता है। और देन आगे है, कहता है हाउ कैन एन एसोसिएशन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन, एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। ऑब्वियसली सेम ये पढ़ते हैं हम, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली में। देन क्या फिजिकल मोड में या पेपर मोड में एप्लीकेशन हम भेज सकते हैं, ऑब्वियसली आप इसे भेज नहीं सकते क्योंकि अब ये सिर्फ किसमें होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होगा। देन क्या प्रोसीजर है फॉर एन एसोसिएशन टू फाइल एन एप्लीकेशन, तो जैसे अब प्रोसीजर क्या होगा, तो इसलिए आपने क्या करना है, एक स्कैंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑब्वियसली FCRA के पोर्टल से उठाइए, डाउनलोड कीजिए, उसको स्कैन कीजिए और उसे फिर क्या कर दीजिए, आप अपलोड कर दीजिए।
क्या ये रिक्वायर्ड है कि फिजिकल कॉपी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक के साथ देनी होगी? नहीं, क्योंकि हमने कहा सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, तो इसलिए आंसर क्या होगा? नो नीड। क्या इसका कोई फॉर्मेट भी है? नहीं, जैसे मैंने कहा सिंपल है, डाउनलोड स्कैन एंड अपलोड, तो इसलिए स्कैंड कॉपी आपने भेजनी है। इज एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट जस्टिफिकेशन फॉर रिविजन ऑफ ऑर्डर? तो देखिए ऑब्वियसली आप रिविजन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए जस्टिफिकेशन तो आपको देनी होगी विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी। फीस वही है जो हम पहले पढ़ते थे, 3000 रुपए की आपको फीस देनी है। टाइम लिमिट क्या है? एक साल, जब ये ऑर्डर आपको कम्युनिकेट किया जाता है या जिस दिन आपको पता चलता है विच एवर इज अर्लियर। तो इन एफएक्यू के अंदर कोई रॉकेट साइंस वाली कोई नई चीज नहीं, वही 32 वाली है। तो सिंपल एफसीआरए में यही दो अमेंडमेंट मई 2023 के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। ऑब्वियसली अपने रिस्पेक्टिव नोट्स में से इंसर्ट कीजिए, या कोई भी पीडीएफ मुझसे चाहिए तो इस पे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।